Hello dear children welcome back to my channel so children today in this video we are going to read very first chapter of class 5 english which is ice cream man by rachel field now children tell me what is cold sweet and creamy and wonderful to eat yes everyone's favorite treat especially on a hot summer day is an ice cream so do you know children who sells the ice cream yes he is ice cream man and as you all know that he is very popular among children especially in summer season so let us read and enjoy the poem ice cream man when summers in the city and breaks a blaze of heat the ice cream man with his little cart Goes strungling down the street beneath his round umbrella. Oh, what a joyful sight! To see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink. From waters full of frosty fizz, green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round, as thick as honey bees. Explanation When summer's in the city,

ब्लेज ब्लेज ऑफ़ हीट मीन्स ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर तो ईट में से जब आँख की लपटें निकलती हैं बहुत ज़्यादा हीट निकलती है द आइस क्रीम मैन विद हिज लिटल कार्ट गोज ट्रंगलिंग डाउन द स्ट्रीट तब जो आइसक्रीम मैन है वो अपना एक छोटी सी कार्ट लेके आता है कार्ट मीन्स ठैला दो पहियों का भी हो सकता है और चार पहियों का भी हो सकता है तो अपना आइसक्रीम वाला एक छोटा सा ठेला लेकर आता है और उसको लुड़काते हुए गली में स्ट्रीट मींस गली में लेकर आता है ट्रं टलिंग मींस होता है मूविंग ऑन व्हील्स या फिर लुड़काना तो जब भी सिटी में गर्मी होती है समर का सीजन होता है तो आइसक्रीम मैन अपनी छोटी सी कार्ट में उसको लुड़काते हुए आता है बनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला Oh, what a जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द cones विद माउंस ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड white. बिनीत का मीन्स होता है बिनीत means बिलो या फिर नीचे तो वो अपने छोटे से एक राउंड अम्ब्रेला के नीचे छोटी छतरी के नीचे होता है और ये बहुत ही जॉयफुल साइट है जॉयफुल मीन्स फुल ऑफ जॉय फुल ऑफ हैप्पीनेस उसको देख के बहुत ही अच्छा लगता है टू सी हिम फिल द कोथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट तब वह आइसक्रीम मैन ब्राउन और वाइट कलर की जो आइसक्रीम है ठंडी ठंडी जो आइसक्रीम है उससे कोन्स को फिल करता है माउंट मीनस होता है हीप्स या फिर यहाँ पे इसका मीनिंग होगा ढेर नेक्स्ट है वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फिज ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक यहाँ पे बच्चों आइसक्रीम मैन है जो उसके पास वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी सभी फ्लेवर्स की आइसक्रीम्स होती हैं और बहुत ही अच्छी सी चिली थिंग्स होती हैं ड्रिंक करने के लिए चिली थिंग्स मतलब वेरी कोल्ड बहुत ही ठंडी ठंडी चीज़ें हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो लेके आता है फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक यहाँ पर फ्रोस्टी फिज का मतलब होता है एंड आइसक्रीम मेड ऑफ क्रश्ड आइज या फिर चुस्की तो उसके पास जो कलरफुल बहुत सारी बॉटल्स होती हैं फ्रोस्टिफिस की बॉटल्स होती हैं उनमें से वो ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक कलर की जो भी चुस्की हैं या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं चिली चिली कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो हमको देता है हिस्कार्ट माइट बी ए फ्ला बेड और रोजेज एंड स्वीट टीज द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एस्थिक एज हनी बीज तो जो आइसक्रीम मैन की कार्ट है वो कैसी लगती है फ्लावर बेड मीन्स होता है फूलों की क्यारी तो फूलों की क्यारी जैसी जो उसकी कार्ट है किसकी फूलों की क्यारी होती है वो फ्लावर बेड ऑफ रोजेस रोजेस का रोजेस होते हैं गुलाब और स्वीट पीस और मीठी जो मटर होते हैं उनके क्यारियों जैसा लगता है फ्लावर बेड जैसा लगता है और उसके चारों तरफ जो बच्चे हैं वो ऐसे क्लस्टर राउंड क्लस्टर मीन्स होता है गैदर या इकट्ठे होना या झुंड बनाना तो जो बच्चे हैं उसके चारों तरफ ऐसे झुंड बना लेते हैं एज थिक एज हनी बीज जैसे कि हनी बीज बहुत ज्यादा होती हैं नंबर्स में और वो पूरे झुंड में या ग्रुप में चलती हैं इकट्ठा होकर उसी तरह जो बच्चे हैं वो भी आइसक्रीम मैन के चारों तरफ एक झुंड बना लेते हैं या फिर गैदर हो जाते हैं नमूर टू क्वेश्चन आंसर पार्ट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज In which season is ice cream popular? And the answer is Ice cream is popular in summer season. Who feels joyful on seeing the ice cream man? And the answer is Children feel joyful on seeing the ice cream man. Now move to the next question. Name the different flavors of ice cream the ice cream man has in his cart. So, uski cart mein kis -kis flavor ki ice cream Those ice creams flavors are vanilla, chocolate and strawberry. What are the two things that the ice cream man is selling? And the answer is The ice cream man is selling ice creams and chilled drinks from the bottles of frosty face. Now move to the next question. What is the ice cream cart compared to in the poem? So ice cream cart ko kin se compare kiya gaya hai? And the answer is: ice cream cart is compared to a flower bed of roses and sweet peas. Children, as you all know, having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. So, now write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. So, they can be going for ski jumping, going for ice skating, playing. आइज होकी एंजॉइंग होट जिंजर टी एंजॉइंग द मॉर्निंग सन ईटिंग ग्राउंड नट्स एंड पॉपकॉर्न नाउ लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन तो यहां पर हम लिखेंगे कि समर में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको एंजॉय कर सकते हैं एंड द आंसर इज स्विमिंग ड्रॉइंग एंड पेंटिंग प्लेइंग कार्ड्स वॉकिंग ऑन सी बीच आइस स्केटिंग रिवर राफ्टिंग सिपिंग कोकोनट वाटर एट्सेट्रा सो नाओ चिल्ड्रन ना ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इन टू इनडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ सोहे इनडोर मीन्स वो एक्टिविटीज़ जिन्हें हम घर के अंदर करते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज जो कि घर के बाहर हम खेलते हैं या फिर करते हैं तो यहाँ पर इनडोर एक्टिविटीज़ होंगी सिपिंग कोकोनट वाटर प्ले कार्ड्स एंड ड्रॉइंग एंड पेंटिंग And outdoor activities are swimming, walking on sea beaches, ice skating, and river rafting. Now, children, circle the words where you get a झ़ sound So here, जिस वर्ड्स में झ़ आउट आपको मिली है, उसको हमें सर्कल करना है. सर्कल the word with झ़ आउट. Like honey bees. तो यहां पे जिस जिस वर्ड में भी जा की साउंड है उसको हम सर्कल करेंगे सो द वर्ड विद जा साउंड आर प्राइज मेज राइज ब्लेज फेज लेजी बिजी रेज रेज चेज एंड डीज सो चिल्ड्रन इन सभी वर्ड्स में लास्ट में जा साउंड है तो इनको हमें क्या करना है सर्कल करना है न मूव टू दैक्स्ट क्वेश्चन लिसन एंड टेल द साउंड डीज वर्ड्स इन द पोयम प्रोड्यूस सो चिल्ड्रन पोएम में काट कैसी साउंड प्रोड्यूस करती है और सेकेंड है ड्रिंक ड्रिंक से कैसी साउंड आती है जब आप ड्रिंक को ओपन करते हैं तो कैसी साउंड आती है तो सबसे पहले है कार्ट तो कार्ट से हमें साउंड आती है ट्रंडल ट्रंडल का मीन्स होता है मूविंग ऑन व्हील्स जब कार्ट आती है ठेला गाड़ी आती है तो उसके पहियों पे चलने की जो आवाज़ आती है जो खड़खड़ की आवाज़ होती है उसको हम बोलते हैं ट्रंडल और ड्रिंक से हमारी साउंड आती है फिज जब भी हम ड्रिंक को ओपन करते हैं बहुत ज़्यादा जो चिल्ड ड्रिंक होती है तो ये वाली साउंड आती है नेक्स्ट है कैन यू मेक दी साउंड्स तो क्या ये साउंड्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं तो बच्चों आपको ऐसी ही साउंड खुद निकालनी है वट आर द सम ऑफ द डिफरेंट साउंडस यू हीयर वन द आइसक्रीम मैन कम्स तो जब आइसक्रीम मैन आपकी स्ट्रीट में आता है आपके घर के आसपास आता है तो आपको कैसी कैसी साउंड्स सुनाई देती हैं तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे आई हेयर साउंड्स ऑफ रिंगिंग अ बेल तो हमें जो आइसक्रीम मैन है उसके बेल की आवाज़ सुनाई देती है और कैसी होती है वो या तो होगी ट्रिंग ट्रिंग या फिर टन टन तो ऐसी जो साउंड है वो उसके रिंग की साउंड हमें सुनाई देती है इसके अलावा आई हेयर आइसक्रीम मैन स् लाउडली एंड आई हेयर द जॉयफुल शाउटिंग ऑफ द चिल्ड्रन तो इसके अलावा हमें क्या सुनाई देता है जो आइसक्रीम मैन है आवाज़ लगाता है बच्चों को बुलाने के लिए और बच्चों की भी जॉयफुल जॉयफुल शाउटिंग की आवाज़ हमें सुनाई देती है इसके अलावा आपको कोई और आवाज़ अगर सुनाई देती है साउंड सुनाई देती है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट हेयर इज़ अ रिपोर्ट ऑन अंकल लाल्स फार्म सो so चिल्ड्रन ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है ये आपको करना है लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़ा आइडिया आपको दे देती हूँ कि इसको कैसे लिखना है फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेरी फार्म आई सा ऑल द अंकल लाल्स काउस ही हैज फिफ्टी काउज दे ईट क्रास इन द बिग ग्रीन फार्म इन द इवनिंग द फार्म ब्रिंग दैम टू दान टू बी मिल्क अंकल लाल सेल्स इज मिल्क इन दिटी तो जो उसके फादर हैं वो अंकल लाल के फार्म हाउस पर उसको लेके गए हैं वहाँ पे उनकी बहुत सारी काउज हैं अराउंड फिफ्टी काउज हैं और वो क्या खाती हैं ग्रीन ग्रास खाती हैं ठीक है चीके? और इवनिंग में जो फार्मर्स हैं उनको पान टूबी मिल्क वहाँ से लेके आते हैं एंड अंकल लाल से इज मिल्क इन द सिटी और वो उस मिल्क को सिटी में सेल कर देते हैं वेन राइटिंग अ रिपोर्ट रिमेंबर टू डू दीज थिंग्स तो जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं बच्चों तो हमें इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है थिंग ऑफ अ गुड टाइटल राइट इट करेक्टली सबसे पहले हमें उसका टाइटल लिखना है कीप टू योर सब्जेक्ट और जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड चीज़ें ही हमें लिखनी है उसके बाद है टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर और जो थिंग्स हमें लिखनी है उनको करेक्ट ऑर्डर में ही लिखना है मेक योर पेपर लुक नीट और आपको अपने पेपर को नीट एंड क्लीन अच्छी से हैंड राइटिंग में रिपोर्ट को लिखना है इन ग्रुप्स ऑफ़ फोर राइटर रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम्स अवेलेबल इन योर एरिया यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज़ तो यहाँ पर बच्चे कुछ क्लूज़ दिए गए हैं उनको यूज़ करके आपको रिपोर्ट्स लिखनी है और अपने क्लास को फोर ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो यहाँ पर सब अपने अपने एरिए की बात है तो सबको अपने अकॉर्डिंग ही लिखना है लेकिन फिर भी एक आपको आइडिया मैं यहाँ पर दे रही हूँ तो बच्चों सबसे पहले आप अपनी रिपोर्ट का टाइटल लिखेंगे Ice cream is one of the favorite desserts of almost everyone. Ice cream is available in a number of flavors. There are a number of ice cream brands available in my area. Some of them are, are Amul, Mother Dairy, Wadilal, Gelato, Vinto, Chocolate Marshmallow, and Strawberry are the common flavors of ice cream in each of the brands. According to the survey taken, Amul's Kesar Pista flavored ice cream is sold the most in the market. It comes at rupees 80. Mother Dairy's chocolate fudge ice cream is sold the most in the market. Its price is rupees 110. According to me, vanilla ice cream is the most popular of all of them. It is enjoyed almost by everyone. Now children

yard label table sky my play obey raise face right night now move to the next question what do you the following words describe in the poem so joyful sight little cart राउंड अम्ब्रेला एंड नाउ टेल मे चिल्ड्रन वट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज इन द पोयम फॉर द फॉलोइंग तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं जो चीज़ें दी गई हैं उनके लिए किस किस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का यूज पोएम में हुआ है वो हमें लिखना है तो सबसे पहले है माउंट्स तो लिखेंगे कूलिंग ब्राउन एंड वाइट माउंट्स फ्लेवर तो यहाँ का डिस्क्राइबिंग वर्ड हम लिखेंगे वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर क्लस्टर थिक क्लस्टर नाउ इट इज फन टाइम कलर द बॉक्सेज विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मैंशनड इन ईच तो यहाँ पे बच्चों आइसक्रीम जो फ्लेवर्स हैं उनके कुछ नाम लिखे हुए हैं बॉक्सेज में तो आपको उस बॉक्स को उसी कलर में कलर करना है जिस कलर की वो फ्लेवर की आइसक्रीम होती है लाइक दिस नाउ ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम तो यहाँ पे बच्चों आपको अपनी ड्रीम आइसक्रीम को ड्रॉ करना है और उसको कलर करना है तो ये क्वेश्चन आप अपने अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स द कलर्स द फ्लेवर्स द साइज हाउ इट लुक्स टेस्ट एंड फील्स एट्सेट्रा तो आपने अभी जो अपनी ड्रीम आइसक्रीम ड्रॉ की है चिल्ड्रन उसको आपको क्या करना है अभी डिस्क्राइब करना है कि वो कैसी है तो उसके लिए यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं उनको यूज़ करके आपको अपनी ड्रीम आइसक्रीम के बारे में लिखना है यू कैन राइट लाइक दिस हेयर इज़ द आइसक्रीम ऑफ माई ड्रीम इट इज़ डीप ब्राउन इन कलर इट हैज़ चॉकलेट फ्लेवर

और अगर नहीं खाई है तो नो लिखेंगे सो so, मैं यहाँ लिख रही हूँ यस आई हैव ईटन कुल्फी मैंने कुल्फी खाई है द फॉलोइंग सेंटेंसेज डिस्क्राइब हाउ इट इज़ सर्वड बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस तो यहाँ पे बच्चों वो कुल्फी कैसे सर्व की जाती है उसके लिए कुछ सेंटेंसेज यहाँ पे लिखे हुए हैं बट दे आर नॉट इन दे करेक्ट ऑर्डर तो हमको उसको ऑर्डर को करेक्ट करना है एंड द करेक्ट ऑर्डर इज द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट ही अरेंजेस सम फालूदा अराउंड इट एंड इन द लास्ट देन ही पोर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट सो इट्स ऑल फॉर टुडे आई होप यू एंजॉयड द वीडियो So, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you.